नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रियल टेक्निकल में। दोस्तों यह है सैमसंग गैलेक्सी F62। तो फाइनली सैमसंग गैलेक्सी F62 में जुलाई 2022 का न्यू सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट आ चुका है। और अगर अभी तक ये अपडेट आपको रिसीव नहीं हुआ है तो आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में और स्क्रॉल डाउन के नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। बट उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि अपडेट के बाद बहुत कुछ आपको न्यू चेंजेस देखने को मिलते हैं, फीचर्स देखने को मिलते हैं और कुछ इशू भी देखने को मिलते हैं। तो क्या इशू तो नहीं है इस अपडेट को करना है या फिर नहीं करना है, तो सब कुछ पता कर पाओगे आप इस वीडियो में। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कर सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि आपको और भी इसी प्रकार से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना नीचे से भाई, जरूर लाइक कर देना। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस अपडेट के यहाँ पर साइज की। तो लगभग 1035 MB का अपडेट है, तो ज़्यादा MB का अपडेट नहीं है तो उसको कर लेना है। और यहाँ पर इसका जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है 1 जुलाई 2022। पहले जो था वो था 1 मई का, अब जो है वो है 1 जुलाई 2022। अब हम बात कर लेते हैं, लगभग यहाँ पर ऑलमोस्ट 25 सिस्टम ऐप्स को इन्होंने अपडेट कर दिया है। तो कौन कौन से ऐप्स हैं, तो सबसे पहले जो फ़ोन ऐप्स है उसको अपडेट किया है। कॉलिंग का जो ऐप है उसको भी अपडेट कर दिया है। कॉन्टैक्ट है उसको अपडेट किया हुआ है। मैसेज को अपडेट किया हुआ है। और यहाँ पर फाइंडर को अपडेट कर दिया है। वन UI होम को अपडेट किया हुआ है। वीडियो एडिटर को अपडेट किया हुआ है। सिक्योर फोल्डर को अपडेट कर दिया है। माई फाइल्स को अपडेट किया। लगभग 25 ऐप्स को इन्होंने सिस्टम ऐप्स को अपडेट कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इस अपडेट के रिव्यू के बारे में। तो अभी तक मैंने इसको यूज़ किया है तो कोई भी यार मेजर इशू या बग देखने को नहीं मिला है। और वही बात बैटरी ट्रेनिंग या हीटिंग के इशू की, तो ये भी मुझे अभी तक फ़िलहाल देखने को नहीं मिला है। तो अभी तक जो फ़ोन है पहले से ज़्यादा फास्ट तो नहीं हुआ है, जैसे पहले यूज़ बग चल रहा था वैसे ही फ़ोन अभी भी यहाँ पर वर्क कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। और इसको अपडेट करना है या फिर नहीं करना है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अपडेट कर लीजिए, कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई भी इशू 1% अगर आपको देखने को मिलता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देना।